हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे केयू के एग्ज़ाम मोड के ऊपर। गाइस, आपको पता है कि एग्ज़ाम मोड को लेकर बहुत सारा कन्फ्यूज़न चल रहा है, लेकिन गाइस आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई कैसा आपका मोड रह सकता है, ऑनलाइन, ऑफलाइन या फिर ब्लेंडेड। और गाइस यहां पर आपको ये भी बताने वाला हूं कि कब तक आपको नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल सकता है। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि केयूके ने अपने जो यहाँ पर 10 फरवरी से एग्ज़ाम होने वाले थे उनके लिए ब्लेंडेड मोड है वो प्रोवाइड करवाया था स्टूडेंट्स को, लेकिन जो एग्ज़ाम 23 फरवरी या फिर आफ्टर 23 फरवरी होने वाले हैं उनके लिए इन्होंने कुछ नहीं बोला। सो गाइस, स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं हमारे एग्ज़ाम कहीं ऑफलाइन ना हो जाएं, तो यार सबसे पहले तो आप खुद सोचिए कि जो यूनिवर्सिटी यहाँ पर अपने जो 10 दिन पहले या फिर 12 दिन पहले जो एग्ज़ाम है उनका मोड ब्लेंडेड रख रही है, तो आपका मोड भी ब्लेंडेड क्यों नहीं रखेगी। दूसरी बात गाइस ये है कि जो यहाँ पर कर्ता धरता हैं CRSU और KUK के, वो सेम ही है, तो अगर उन्होंने CRSU के स्टूडेंट्स को यहाँ पर ब्लेंडेड मोड दे दिया है तो वो आपको ब्लेंडेड मोड क्यों नहीं देंगे। और तीसरा रीज़न गाइज ये है कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी एक बार पहले भी जो स्टूडेंट्स हैं उनका गुस्सा झेल चुकी है, ठीक है, और सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपस में कनेक्ट रहती हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, सभी की अपडेट सभी को रहती है, तो आपने देखा सभी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्रोटेस्ट चल रही थी और फाइनली सभी ने अपनी मांगे मनवा ली हैं। तो गाइज़ KUK मैनेजमेंट भी ये रिस्क नहीं लेगी और कहीं ना कहीं आपको ब्लेंडेड मोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तीन तीन रीज़न मैंने आपको दिखा दिए हैं, अब भी टेंशन लोगे यार फिर क्या मतलब, यार अब तो टेंशन मत लो, छोड़ दो टेंशन, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो देखो यार, जब यहाँ पर 10 फरवरी से एग्ज़ाम थे उसका भी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था वो लगभग 7 या फिर 8 दिन पहले आया था, ठीक है, तो आपका भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन 7 या फिर 8 डेज पहले आएगा, यानी कि कल की भी कह रहे हैं कुछ लोग, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कल आएगा, ठीक है। लेकिन गाइज यहाँ पर आपका जो नोटिफिकेशन है वो 15 या फिर 16 फरवरी को आ सकता है, ठीक है। तो यार आप लोग यहाँ पर बिल्कुल जो है टेंशन मत लीजिए, आपके एग्ज़ाम्स हैं वो 99% ब्लेंडेड मोड में होंगे, और मान लीजिए 1% अगर ऑफलाइन का मोड दे भी दिया यूनिवर्सिटी ने तो जो यहाँ पर छात्र नेता हैं या फिर जो स्टूडेंट्स हैं वो चुप बैठ जाएंगे। नहीं भाई, बिल्कुल यहाँ पर प्रदर्शन करने की बात वो कह रहे हैं, साथ ही साथ मांग उठाने की बात कह रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी ऐसा खतरा कह सकते हो या फिर ऐसी सिरदर्दी कह सकते हो मोल नहीं लेने वाली, और कहीं ना कहीं आपको जो है ब्लेंडेड मोड का ऑप्शन ही देखने को मिलेगा। सो गाइज, आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। नोटिस का वेट आप कर लीजिए, 1-2 दिन के अंदर आपको नोटिस मिल जाएगा और ब्लेंडेड मोड में ही पेपर होंगे, ठीक है। तो यार जस्ट इन्जॉय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जय भारत।